झोलाछाप डॉक्टर को गोली मारने के मामले में एक अपडेट है। बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारी थी। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर को गोली मारने का यह मामला है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इसका फुटेज सामने आ गया है। अब ये कौन लोग हैं? देखिए यहां पर एक आदमी आता है, उसके बाद यहां पर देखिए ये गोली मार रहा है। अब ये है कौन? इस ऑलरेडी जो दूसरा वो भी भागा है, यानी वो भी इन्वॉल्व है। देखिए पहले ये आता है, ये बात कर रहा है, और उसके उसके बाद ये फायर करके वहां से दोनों भाग जाते हैं। बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारी है। दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों गोली मारकर यहां से भागते हुए झोलाछाप डॉक्टर पर हमला करते हैं। झोलाछाप डॉक्टर को गोली मारने के मामले की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब इन लोगों को पकड़ना और चिन्हित करना पुलिस के लिए आसान हो जाएगा कि ये कौन है। वहां देखिए एक बच्ची भी रहती है, जैसे ही देखती कि लोग आए वो भी वहां से भागती है, वो बैठी रहती है। लेकिन इनके निशाने पर वो डॉक्टर होता है, झोलाछाप डॉक्टर होता है। मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। सत्येंद्र, आप ये बताइए कि ये जो दोनों गोली मार रहे हैं, मैं देख रहा हूं तस्वीरों में, इनके बारे में कुछ जानकारी हुई और क्या बताया डॉक्टर ने, झोलाछाप डॉक्टर ने? बिल्कुल, चूंकि झोलाछाप जो डॉक्टर है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनको ग्वालियर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। उसी क्रम में चूंकि पुलिस का कहना है कि जी दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है और दोनों की तलाश की जा रही है। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से तत्काल फरार हो गए थे, लेकिन चूंकि विवाद का कारण ये बताया जा रहा है कि इनके चूंकि पूर्व में भी इनके भाई से एक विवाद हुआ था, कोई प्रॉपर्टी को लेकर, कोई प्रॉपर्टी खरीदी और बिक्री का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। उसी एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है और भी अन्य कोई एंगल हो सकते हैं कि ये जो दोनों जो युवक है वो कहीं ना कहीं नए लड़के दिख रहे हैं, कोई बड़े क्रिमिनल टाइप के नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गोली मारी है तो उससे ऐसा लगता है कि बाहर के भी शूटर हो सकते हैं, जिस तरीके से जो गोली मारकर घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अभी तक पुलिस के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी आंख खाली के खाली है, आरोपी की किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है इस पूरे घटनाक्रम में। जी धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। भी गिरफ्तारी इन दोनों की नहीं हो पाई है और डॉक्टर की, जो झोलाछाप डॉक्टर है, उसकी हालत अभी बहुत गंभीर है।